नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। मुंबई के आर्थर रोड जेल में अप्राकृतिक यौन संबंध का एक मामला सामने आया है। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। तो बुल्ढाणा स्थित शेगांव के एक किसान ने प्याज का उचित दाम न मिलने की वजह से 200 क्विंटल प्याज को मुफ्त में ही जरूरतमंद लोगों के बीच में बांट दिया। वहीं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाविकास अघाड़ी सरकार को लोकायुक्त कानून न बनाए जाने के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इसी बीच एक अभियान से पता चला है कि गत 1 अप्रैल से मुंबई से रोजाना करीब 5 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं और इसे देखते हुए जमकर टिकटिंग की कालाबाजारी हो रही है। तो उधर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पुणे दौरे के दौरान राकांपा ने जमकर हंगामा किया। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुंबई के आर्थर रोड जेल में अप्राकृतिक यौन संबंध का एक मामला सामने आया है। NM जोशी मार्ग पुलिस ने अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। आरोपी मोहम्मद इरशाद इस्लाम शेख गोवंडी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक यह घटना रविवार तड़के आर्थर रोड जेल के सर्कल नंबर 1 स्थित बैरक नंबर 7 में हुई। पुलिस को आर्थर रोड जेल के अधीक्षक से एक शिकायत मिली थी, जिसमें पुलिस से जेल के अंदर यौन शोषण की एक कथित घटना की जाँच करने को कहा गया था। NM जोशी मार्ग पुलिस के 2 अधिकारियों ने तब जेल का दौरा किया और पीड़ित का बयान दर्ज किया तो पता चला कि वह ओशिवरा का मूल निवासी है। वह किसी केस में पिछले कई दिनों से जेल में बंद है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित से पूछताछ में पता चला है कि बैरक नंबर 7 में बंद शेख ने तड़के 2 बजे से 2:30 बजे के बीच एक पीड़ित के साथ मारपीट की और उसे अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पीड़ित को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी। पीड़ित ने जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 323 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि दोनों कैदी न्यायिक हिरासत में थे। हम यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी ने कुछ और कैदियों के साथ भी ऐसा ही आपराधिक कृत्य किया था या करने की कोशिश की थी। जेल में इस तरह की घिनौनी हरकत से प्रशासन कटघरे में है। बुल्ढाणा स्थित शेगांव के एक किसान ने प्याज का उचित दाम न मिलने की वजह से 200 क्विंटल प्याज को मुफ्त में ही जरूरतमंद लोगों के बीच बांट दिया। इस किसान का नाम है कैलाश नारायण पिंपले। कैलाश के मुताबिक सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने मुफ्त में प्याज बांटने का यह कदम उठाया है। कैलाश नारायण पिंपले ने बताया कि उसने 2 एकड़ जमीन पर प्याज की फसल लगाई थी, जिसमें उसके तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च हुए थे। फसल अच्छी हुई तो सपने जाग उठे थे, लेकिन बाजार में आकर बेजार हो गया। खामगांव और शेगांव के बाजार में कई परेशानियों को झेलते हुए उत्पादित प्याज बिक्री के लिए लाया, लेकिन कोई उचित दाम देने को तैयार नहीं था। कैलाश के अनुसार उचित दाम तो छोड़िए, कोई सामान्य भाव में भी प्याज लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में घर पर रखे रखे प्याज खराब न हो जाए, इसलिए उन्होंने मुफ्त में लोगों को प्याज बांट दी। मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मुफ्त में प्याज मिलने की खबर कुछ ही मिनटों में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। इस दौरान नागरिकों का हुजूम इकट्ठा हो गया और 200 क्विंटल प्याज देखते ही देखते लोगों के बीच में बट गई। पीड़ित किसान ने बताया कि फिलहाल थोक मंडी में 1 किलो प्याज का दाम तकरीबन 4 रुपये प्रति किलो मिल रहा था, जो लागत से काफी कम था। किसान का कहना है कि इस बार पहले से ही नुकसान हुआ है, ऊपर से मंडी में प्याज ले जाने का खर्च अलग होता है। ऐसे में सिवाय नुकसान के फायदे की कोई उम्मीद नहीं है। कैलाश ने कहा कि मेरे जैसे तमाम किसानों के लिए यह समस्या है कि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को लोकायुक्त कानून न बनाए जाने के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अन्ना ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दी है कि या तो कानून बनाए या सरकार छोड़ दे। हजारे ने महाविकास आघाड़ी सरकार को फटकार भी लगाई। अन्ना हजारे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकायुक्त अधिनियम का मसौदा तैयार करने का वादा किया था। फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार के जाने के बाद सत्ता में आई ठाकरे सरकार ने भी लोकायुक्त अधिनियम बनाने का वादा किया था। सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था। लोकायुक्त अधिनियम के तहत 7 बैठकें हुई, लेकिन 2 साल बाद भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वास्तव में क्या हुआ यह जानने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए राज्य सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से राज्य में जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य के 35 जिलों में हमारी कमेटियां बनाई गई है। बता दें कि इसके पहले भी अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन की चेतावनी दी थी। हालांकि तब महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रालेगन सिद्धि पहुंचकर उन्हें समझा बुझाकर मनाया था।
अब एक बार फिर अन्ना हजारे की जीत से सरकार परेशान है, क्योंकि अन्ना की साफ सुथरी छवि लोगों को आकर्षित करती है और सरकार को डर है कि कहीं उनकी यह जीत आंदोलन न बन जाए, और अगर ऐसा हुआ तो सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। गर्मी के दिनों में आमतौर पर स्कूली अवकाश के चलते प्रवासी अपने घरों की ओर लौटते हैं। इस कारण रेलवे टिकटों की बिक्री बढ़ जाती है। रेलवे प्रशासन इन परेशानियों को देखते हुए ट्रेनों की फेरियां बढ़ा देता है। अतिरिक्त कोच भी लगाए जाते हैं, लेकिन कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाता है। इसका बड़ा कारण दलालों की घुसपैठ है। गत 1 अप्रैल से मुंबई से रोजाना करीब 5 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर टिकटिंग की कालाबाजारी भी हुई है। लगभग सभी काउंटर पर सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भी टिकट बुक करानी पड़ रही है, और स्लीपर की जो टिकट 800 रुपये में मिल सकती है उसे यदि प्रीमियम तत्काल में बुक कराए तो 2000 रुपये तक देने होंगे। कई दलालों ने स्लीपर कैटेगरी को कंफर्म कराने के लिए प्रति यात्री 2000 रुपये तक लिए हैं। अवैध तरीके से टिकट बुकिंग करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए रेलवे ने RPF की विशेष टीम बनाई है। एंटी टाउट स्क्वाड ने फील्ड से मिली सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। जानकारों ने बताया कि कुछ ही सेकंड में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर अवैध दलाल टिकट बुक कर लेते हैं। आमतौर पर PRS काउंटर पर जब कोई बुकिंग क्लर्क यात्री लिस्ट फीड करता है, तब तक इंटरनेट पर घात लगाए बैठे दलाल सॉफ्टवेयर की मदद से पहले से तैयार यात्री लिस्ट सॉफ्टवेयर के जरिए दर्ज कर लेते हैं। मध्य रेलवे की एंटी टाउट स्क्वाड ने 1 अप्रैल से 10 मई तक कई कार्रवाई की है। इस दौरान सिर्फ मुंबई में 89 टिकट सीज किए, जिनकी कीमत 1,62,313 रुपये थी। 2021-22 में अवैध टिकट बुकिंग के 27 मामले दर्ज किए गए थे और 646 टिकट सीज किए गए थे। इनकी कीमत 7,99,759 थी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के पुणे दौरे के दौरान राकांपा ने जमकर हंगामा किया। राकांपा की महिला कार्यकर्ताओं ने ईरानी के कार्यक्रम स्थल पर जाकर उनके खिलाफ नारेबाजी की। इससे नाराज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राकांपा की महिला कार्यकर्ताओं से मारपीट और धक्का मुक्की की। फिर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राकांपा की महिला कार्यकर्ताओं को सभागार से बाहर निकाला, जिसके बाद ईरानी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आधारित एक किताब का विमोचन किया। दरअसल राकांपा ने ईरानी के दौरे को देखते हुए महंगाई के मुद्दे पर आंदोलन करने की रणनीति बनाई थी। इसी के तहत ईरानी पुणे में आने के बाद जिस होटल में रुकी थी उसके सामने राकांपा की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू किया। इसके जवाब में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। फिर राकांपा की कुछ महिला कार्यकर्ता ईरानी के कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा किया। वहीं मीडिया से बातचीत में ईरानी ने कहा कि मैंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया है। उसके बाद से कांग्रेस का मुझसे नाराज होना स्वाभाविक है। राकांपा का उत्पन्न कांग्रेस से ही हुआ है, इसलिए राकांपा का मेरे खिलाफ आक्रामक रुख भी अपेक्षित है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने राकांपा के कार्यकर्ताओं द्वारा ईरानी का विरोध करने को लेकर आलोचना की। दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि आंदोलन करने का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ईरानी को पुलिस पुख्ता सुरक्षा देगी। बहरहाल मुद्दा तो भड़क चुका है, भाजपा इसे कैश करने की फिराक में है तो पलटवार करने के भी मूड में है। दाढ़ी मूछ पर टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के बाद भी कॉमेडियन भारती सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब की शिकायत पर उनके खिलाफ अमृतसर व जालंधर में 2 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। वही CBI ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। इस बीच ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर मचे घमासान के बीच शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है। तो उधर एक रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार अधिक गर्म दिन और तेज हीट वेव एशिया में गर्मी से संबंधित मौतों को बढ़ाएंगे। डायरिया संबंधी बीमारियों, डेंगू, बुखार और मलेरिया का खतरा बढ़ जाएगा। देश भर की इन 5 बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दाढ़ी मूछ पर टिप्पणी को लेकर माफी मांगने के बाद भी कॉमेडियन भारती सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया पर लाइव होकर भारती सिंह ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग ली थी, लेकिन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरु रविदास टाइगर फोर्स पंजाब की शिकायत पर उनके खिलाफ अमृतसर व जालंधर में 2 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भारती सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारती सिंह ने दाढ़ी और मूछ पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि दाढ़ी मूछ क्यों नहीं चाहिए, दूध पीने के बाद दाढ़ी मुंह में डालो तो सेवियों का टेस्ट आता है,
भारती सिंह इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि उनकी कई सहेलियों की शादी हुई है और वह अब दाढ़ी मूछों में से जुए निकालने में व्यस्त रहती है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिख समुदाय ने उनका विरोध किया। लोगों का कहना था कि भारती पंजाब में पली बड़ी है, इसके बावजूद उन्होंने सिखी चिन्ह के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया। SGPC ने घोषणा की थी कि वह भारती सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाने जा रहे हैं। उनका कहना था कि वीडियो में भारती सिंह को सिखों के स्वरूप दाढ़ी मूछ पर टिप्पणी करते हुए साफ देखा जा सकता है। स्पष्ट हो रहा है कि भारती ने यह शब्दावली जानबूझकर इस्तेमाल की है। वही GRTFP ने भी जालंधर के आदमपुर में लिखित शिकायत दी। अब धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह के पास हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने को लेकर दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है। विवाद पुरानी कचहरी इलाके में मौजूद दरगाह के पास हुआ। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने पत्थर फेंके, एक बाइक में आग भी लगा दी। पुलिस ने दुकानें बंद करा दी, साथ ही उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भी भांजी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने नीमच सिटी इलाके में धारा 144 लगा दी है। दरअसल पुरानी कचहरी इलाके में करीब 5000 वर्ग फीट जमीन पर दरगाह है। बताया जाता है कि ये जमीन सरकारी है। सोमवार शाम करीब 5 बजे इसी जमीन से लगी जमीन पर कुछ लोग हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे। इस पर दरगाह में मौजूद लोगों ने आपत्ति जताई। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। रात करीब 8 बजे के बाद विवाद बढ़ गया। दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने एक बाइक को भी आग लगा दी। मूर्ति स्थापित करने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम बुलाया था। इसी बीच कुछ लोगों ने मौके पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां भी भांजी। पुलिस ने दुकानें बंद करा दी। सभी दुकानदारों को घर भेज दिया गया। यहां अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात बने हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। CBI ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के 9 ठिकानों पर छापा मारा है। इस दौरान CBI ने कार्ति के खिलाफ नया मामला दर्ज किया गया है। उन पर 250 चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए कथित तौर पर 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। दरअसल पंजाब में तलवंडी साबो पावर लिमिटेड प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसके लिए चीनी मजदूरों को वीजा दिलाया गया था। कार्रवाई के दौरान कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया और कहा कि CBI की कार्रवाई कितनी बार हुई है, मैं गिनती भी भूल गया हूँ, इसका एक रिकॉर्ड होना चाहिए। बता दें कि CBI ने 2010 से 2014 के बीच के इस मामले में नया केस दर्ज किया है। उसी मामले में आज की कार्रवाई की गई है। CBI तमिलनाडु में 3, मुंबई में 3, पंजाब में 1, कर्नाटक में 1 और ओडिशा में 1 सहित 9 स्थानों पर तलाशी ले रही है। इसमें ऑफिस और घर शामिल है। दिल्ली में पी चिदंबरम के घर का गेट बंद होने के कारण CBI के अधिकारी गेट फांदकर अंदर घुसे। सूत्रों के मुताबिक कार्ति चिदंबरम के खिलाफ कथित विदेशी निवेश को लेकर CBI ने यह कार्रवाई की है। छापेमारी सुबह 8 बजे शुरू हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा यह मामला साल 2007 का है और INX मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी थे। इस मामले में ये दोनों भी आरोपी है। आरोपों के मुताबिक पी चिदंबरम ने उस वक्त वित्त मंत्री रहते हुए रिश्वत लेकर INX मीडिया हाउस को 305 करोड़ रुपए का फंड लेने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाई थी। इस प्रक्रिया में जिन कंपनियों को फायदा हुआ उन्हें चिदंबरम के सांसद बेटे कार्ति चलाते हैं। 'ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे को लेकर मचे घमासान के बीच शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है। सर्वे कराए जाने से नाराज मुनव्वर राणा ने जज के लिए अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वह प्रधानमंत्री होते तो उन्हें अरेस्ट करवा देते। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शायर यही नहीं रुके और मुस्लिम पक्ष को भी गाली दे डाली। कटाक्ष के अंदाज में कहा कि जज ने जो कह दिया वही सही, वह भगवान से भी बड़े है। हालांकि इसके बाद उनकी भाषा बदल गई और अपशब्द कहने लगे। राणा ने कहा कि जज ने जो बोलना था बोल दिया, जज से बड़ा कोई नहीं है, महादेव छोटे हैं, जज बड़ा है। जब उनसे कहा गया कि अभी कोई फैसला नहीं आया है, एक पक्ष दावा कर रहा है, तो राणा ने कहा कि जब एक जज फैसला खराब कर सकता है तो इसके बाद रह क्या जाता है। इस मुल्क को तमाशा बना रहे हैं, किसने आपको हुक्म दिया कि तमाशा बना रहे हैं, एक फव्वारा निकल आया उसे आप शिवलिंग बता रहे हैं। मुनव्वर राणा से जब कहा गया कि हिंदू पक्ष तो यह भी कह रहा है कि नंदी की मूर्ति लगी है इसलिए सर्वे की मांग की गई थी, उन्होंने बिफरते हुए कहा कि हिंदू पक्ष जो कह रहा है वही सही है, मुस्लिम पक्ष गलत कह रहा है, खत्म हो गई बात, इसमें मेरा बोलने का क्या, आप हिंदू पक्ष की बात मान लीजिए, उस पर फैसला लीजिए,
मेरी तरफ से इजाजत है। गौरतलब है कि कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था। 3 दिन तक चले सर्वे के अंतिम दिन मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह फव्वारा है, हालांकि अभी कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के वर्किंग ग्रुप 2 की क्लाइमेट चेंज 2022 इम्पैक्ट एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी नाम से एक रिपोर्ट मार्च में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में पहले ही यह संकेत दिया गया था कि एशिया अत्यधिक गर्मी के कारण उच्च मानव मृत्यु दर का सामना कर रहा है। स्टडी के लेखकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन एशिया में हीटवेव, बाढ़, सूखा और वायु प्रदूषण को जैसे खतरों को और अधिक बढ़ा रहा है। इन खतरों के चलते एशिया में वेक्टर जनित और जल जनित बीमारियों, अल्प पोषण, मानसिक विकार और एलर्जी रोग बढ़ रहे हैं। सर्व कारण मृत्यु दर के अलावा उच्च तापमान के साथ संक्रमण, सांस संबंधी बीमारी, मधुमेह और संक्रामक रोग से होने वाली मौतों के साथ साथ शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारी बारिश और तापमान में वृद्धि से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय एशिया में डायरिया संबंधी बीमारियों, डेंगू बुखार और मलेरिया का खतरा बढ़ जाएगा। लगातार अधिक गर्म दिन और तेज हीटवेव एशिया में गर्मी से संबंधित मौतों को बढ़ाएंगे। नीति निर्माताओं के लिए रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इकोसिस्टम लोगों, बस्तियों और बुनियादी ढांचे पर जलवायु और मौसम की चरम सीमाओं का व्यापक प्रभाव देखा गया है। यह वृद्धि जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुई है, जिससे भूमि और समुद्र में गर्म चरम सीमा, भारी वर्षा की घटनाएं, सूखा और भीषण गर्मी का मौसम शामिल है। भारत में गेहूं की कम खरीद और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह G7 भड़क उठा है। लेकिन चीन ने भारत की तारीफ की है तो भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। वहीं चीन ने पाकिस्तान में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे शिक्षकों को वापस अपने देश बुला लिया है। इसी बीच पाकिस्तान में 2021 में बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या से पता चलता है कि लड़कियों की तुलना में कम उम्र के लड़कों का अधिक शोषण किया गया। तो उधर फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और कहा है कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत में गेहूं की कम खरीद और गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले से दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों का समूह G7 भड़क उठा है। G7 में शामिल जर्मनी के कृषि मंत्री ने कहा कि भारत के इस फैसले से यूक्रेन जंग के बीच चल रहा खाद्यान्न संकट और गहरा जाएगा। G7 की आलोचना के बीच भारत के धूर विरोधी चीन ने नई दिल्ली के फैसले का बचाव किया है। चीन के इस बचाव पर दुनिया हैरत में है। चीन ने भारत की यह तारीफ ऐसे समय पर की है जब अगले महीने ब्रिक्स देशों की चीन में बैठक होने जा रही है। चीन चाहता है कि भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग आए और शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले। इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्षों को भी शिखर बैठक में हिस्सा लेना है। पिछले दिनों चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत की यात्रा करके विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। वांग यी ने इच्छा जाहिर की थी कि पीएम मोदी ब्रिक्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन आए। हालांकि भारत ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि लद्दाख में चीन की दादागिरी को देखते हुए बीजिंग नहीं जाएंगे। अब कहा जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन ऑनलाइन हो सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद ऐसा पहला मौका होता जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किसी वैश्विक मंच पर दिखते, लेकिन भारत के सख्त रुख से ऐसा होता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स की यह बैठक 23 से 24 जून के बीच होनी है। इससे रूस को लेकर ब्रिक्स देश एकजुटता का संदेश दे सकते हैं। जर्मनी ने इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत को विशेष न्योता दिया है। श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश की विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुकी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि देश बेहद गंभीर आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। देश के पास गैस के पैसे देने तक के पैसे नहीं है। अब खबर है कि भारत के एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश की हालत भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो चुका है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी की खबर के बाद बांग्लादेश की सरकार ने वॉशिंग मशीन, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर के आयात पर रोक लगा दी है।
बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार 42 बिलियन डॉलर से कम हो गया है। इससे सिर्फ 5 महीनों तक ही आयात किया जा सकता है। हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं कि सरकार ने इससे निपटने के लिए सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश सरकार द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है जिनके लिए अधिक मात्रा में विदेशों से चीजों को आयात करने की जरूरत है। बांग्लादेश में कुछ विशेषज्ञों ने विदेशी मुद्रा भंडार में कमी को रूस यूक्रेन युद्ध की वजह बताया है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जरूरी चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश में जनवरी के बाद से ही हालात खराब होने लगे थे। विदेशों से बांग्लादेशी नागरिकों द्वारा भेजे जाने वाले पैसे में भी कमी आई है। ये कमी पिछले साल जुलाई से शुरू हुई, वही आयात बढ़ता चला गया। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि अगर सरकार ने तेजी से कदम उठाए होते तो हालात इस कदर नहीं हुए होते। चीन ने पाकिस्तान में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे शिक्षकों को वापस अपने देश बुला लिया है। बीते महीने 26 अप्रैल को कराची शहर में 3 चीनी शिक्षकों की बलूच विद्रोहियों के आत्मघाती हमले में जान चली गई थी। इसके बाद चीन ने शिक्षकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। चीन के ये शिक्षक पाकिस्तान के कई शहरों में खुले कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे। जानकारों के मुताबिक चीन ने दुनिया भर में जासूसी और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट खोल रखे है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के निदेशक नसीरुद्दीन ने बताया कि आत्मघाती हमले के बाद कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से चीनी शिक्षक वापस बुला लिए गए हैं। हालांकि चीनी अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि ये शिक्षक भले ही बुलाए जा रहे हैं लेकिन संस्थान को बंद नहीं किया जाएगा। इसके लिए मंदारिन भाषा पढ़ाने के लिए पाकिस्तानी शिक्षकों से मदद मांगी गई है। साल 2013 में कराची इंस्टीट्यूट और चीन के सिचुआन नॉर्मल यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रयास से कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहाँ 500 छात्र चीनी भाषा की शिक्षा लेते हैं। संस्थान का उद्देश्य मंदारिन भाषा सिखाना और चीन पाकिस्तान के बीच लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के जरिए दुनिया भर में सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही इसके जरिए चीन उस देश के चर्चित विश्वविद्यालय में हो रहे शोध और अन्य तकनीकों के विकास पर नजर रखता है। इससे जासूसी को भी बढ़ावा देने की भी खबरें आई है और यही वजह है कि भारत ने चीनी इंस्टीट्यूट को लेकर बहुत सख्त नियम बना दिए है। पाकिस्तान में 2021 में बाल शोषण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है जिसमें अधिकांश घटनाएं युवा लड़कों से जुड़ी हुई है। बाल संरक्षण के लिए काम कर रहे एक गैर सरकारी संगठन साहिल के विवरण से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो देश के प्रमुख शहरों से बाल शोषण के मामलों में भारी उछाल दिखाते हैं। विवरण के अनुसार पंजाब प्रांत के कसूर शहर ने बड़े पैमाने पर बाल शोषण और बाल पोर्नोग्राफी के मामलों की रिपोर्ट के बाद वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। यह शहर 2021 में कम से कम 298 घटनाओं के साथ सूची में शीर्ष पर बना हुआ है। हैरानी की बात है कि जुड़वा शहर रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर है जहां 292 मामले और बाद में 247 मामले सामने आए। साहिल ने अपने निष्कर्ष में खुलासा किया कि देश में यौन शोषण के मामलों में वृद्धि के पीछे कोविड-19 महामारी प्रमुख कारणों में से एक थी। बच्चे घर पर थे और उनके 55% से अधिक दुर्व्यवहार करने वाले परिचित थे। दिलचस्प बात यह है कि साहिल द्वारा रिपोर्ट किए गए बाल यौन शोषण के मामलों की संख्या से पता चलता है कि लड़कियों की तुलना में कम उम्र के लड़कों का अधिक शोषण किया गया। आंकड़े उन मामलों के हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि विशेषज्ञों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं का दावा है कि दुर्व्यवहार के अप्रतिबंधित मामलों की संख्या पंजीकृत लोगों की तुलना में बहुत अधिक है। कसूर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अलावा फैसलाबाद, गुजरावाला, सियालकोट, खैरपुर, लाहौर, ओकारा और मुजफ्फरगढ़ में भी सैकड़ों मामले दर्ज किए गए। वर्ष 2021 में दुर्व्यवहार के मामलों की संख्या 1000 थी जिसमें 2020 की पहली छमाही से कम 14% की वृद्धि थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और फिनलैंड को तबाह करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने ब्रिटेन पर परमाणु हथियार दागने की धमकी देते हुए दावा किया है कि इसमें सिर्फ 3 मिनट लगेंगे। ड्यूमा के रक्षा समिति के डिप्टी चेयरमैन अलेक्सी जुरावलेव ने दावा किया कि नाटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। खास बात यह है कि जुरावलेव की धमकियां ऐसे समय पर आई है जब यूक्रेन में पुतिन की सेना बैकफुट पर आ चुकी है और अब फिनलैंड, स्वीडन जैसे दूसरे देश भी नाटो में शामिल होने की इच्छा जता रहे हैं।
गौरतलब है कि फिनलैंड यह घोषणा कर चुका है कि वह नाटो में शामिल होने का समर्थन करता है। इसके बाद रूस ने अपने पड़ोसी देश की बिजली सप्लाई रोक दी। फिनलैंड अपनी कुल बिजली खपत का 10% रूस से आयात करता है। अलेक्सी ने कहा कि अगर फिनलैंड इस खेमे में शामिल होना चाहता है तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल वैध है। फिनलैंड को रूस का आभारी होना चाहिए कि आज वह एक देश के रूप में मौजूद है। अलेक्सी ने कहा कि हम फिनलैंड की सीमा पर रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास किंजर क्लास की मिसाइलें हैं जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती है। एक रूसी अधिकारी ने भी दावा किया कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के लिए ब्रिटेन और अमेरिका ने उकसाया है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।